हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज यहाँ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक है और उसके क्या लक्षण हैं, कुछ ऐसे लक्षण जिससे कि आप इजीली पता कर सकते हो कि आपकी डिलीवरी बहुत नज़दीक है और अब आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए। जैसे ही डिलीवरी होने वाली होती है, कुछ हफ्ते पहले से ही आपका जो शरीर है वो आपको संकेत देना शुरू कर देता है। कई संकेत होते हैं जो महिलाएं काफ़ी जल्दी पहचान लेती हैं, वहीं कई महिलाओं को काफ़ी नोटिस करने में दिक्कत होती है। सबसे पहले अगर संकेत की बात करें तो पेट में गर्म जैसा महसूस होना। डिलीवरी के कुछ हफ्ते पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही महिलाओं को, जो महिला प्रेग्नेंट है, उसके पेट में कुछ गर्माहट महसूस होने लगेगा, कुछ गर्म जैसा लगने लगेगा। ये एक डिलीवरी का संकेत है। दूसरा, संकुचन का बढ़ना। अब डिलीवरी वाली महिला को, जो प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है, उस महिला को थोड़े थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होंगे। कुछ हफ्ते पहले से ही कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होने शुरू हो जाते हैं, खासकर जब डिलीवरी में 7 दिन या 10 दिन बाकी हो, तो उसमें संकुचन होना एक आम सी बात है। पेट के निचले हिस्से में, कमर में, पीठ में दर्द महसूस होना, ये संकुचन का ही एक पार्ट है। संकुचन होना एक आम सी बात है और डिलीवरी जल्द होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी के भी ये लक्षण हैं। संकुचन की वजह से तेज़ दर्द होना, जो कि 40 से 60 सेकंड तक रहेगा। अगर आपका जो दर्द है, संकुचन है, वो 40 से 60 सेकंड तक रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है और आपको डिलीवरी की तैयारियाँ करना शुरू कर देना है। कई महिलाओं को योनि से खून भी आने लगता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं म्यूकस प्लग का निकलना। महिलाओं को डिलीवरी वाले दिन या डिलीवरी से 1 दिन पहले या 7 दिन पहले इस तरीके से म्यूकस प्लग धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, जिसके ब्लीडिंग के, यानी कि स्पॉटिंग, आपको बिल्कुल बूंदाबांदी स्पॉटिंग आपको महसूस होगी और ये डिलीवरी होने के संकेत है। डिलीवरी का जो दिन है वो काफ़ी नज़दीक है, ये बताता है। कई महिलाओं को जो है दस्त की भी समस्या हो जाती है, बार बार दस्त लगना। कई महिलाओं को डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पतला मल त्याग होना शुरू हो जाता है, इसे हम दस्त कहते हैं, और ये डिलीवरी होने के एक संकेत हैं, जिसमें कि गुदा जो है उनका रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से ये पतला मल त्याग होता है। तो डिलीवरी होने के ये संकेत हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। दस्त अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बार बार पेशाब यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना भी डिलीवरी का एक संकेत है। जैसे ही बच्चे की जो ड्रॉपिंग है नीचे की तरफ होने लगती है, बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ दबाव डालना शुरू होता है, महिलाओं के यूरिन ब्लेडर पर इसका दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाना यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना एक डिलीवरी का सिम्टम्स है। डिलीवरी जल्द होने वाली है, इसका भी एक इशारा है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के भी सिम्टम्स हैं, और जो भी मैंने आप लोगों को बताया है डिलीवरी में कितने दिन बाकी होते हैं, तो ये सारे संकेत आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारियां करें, हॉस्पिटल बैग पैक करें, अपने हॉस्पिटल जाने की तैयारियां करें, और साथ ही अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार भी करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग, एक्सरसाइज, अपने डाइट पर ध्यान दें, जिससे कि आपको डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। नॉर्मल डिलीवरी में महिलाओं को शारीरिक तौर पर हष्ट पुष्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने हेमोग्लोबिन पर भी ध्यान दें, खून की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, गर्भ में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए, जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी करें जिसको ज़रूरत हो।